आपका इंडियन टैलेंट एकेडमी में स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जोमैटो में राइडर के लिए जो लिमिट की दिक्कत आती है कि लिमिट बहुत कम हो जाती है, जिसके लिए उनको बार बार अपनी आईडी में पैसे डलवाने पड़ते हैं, तो आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। वो एक्चुअली जो कंपनी होती है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से लिमिट बढ़ाती है। आप जैसे जैसे ऑर्डर लगाते हैं, तो जितने आप दिन में ज़्यादा लगाएंगे उसके हिसाब से वो लिमिट तय करेगी और आपकी लिमिट बढ़ा देगी। जैसे मतलब कि एक दिन में 10 ऑर्डर करेंगे तो लिमिट बढ़ेगी। हाँ, 10-12 ऑर्डर लगा दें, अगर ज़्यादा ही लग जाते हैं तकरीबन, तो वो टाइम स्पेंड करने के हिसाब से है कि टाइम कितना स्पेंड करता है और लिमिट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नहीं उससे तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी आपको। तनख्वाह में भी मतलब फायदा होता है, तनख्वाह भी ज़्यादा। जैसे मान लो कि अभी एक जो अगर नहीं लिमिट नहीं करता, वो टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं करता, तो कितने पैसे मिलते हैं? नहीं, पैसे तो कोई वो कह नहीं सकते हम। अच्छा, तो वो तो ऑर्डर के हिसाब से है। ठीक, मतलब ऑर्डर ज्यादा बन सकते हैं, कम भी बन सकते हैं। फिर लिमिट कैसे बढ़ाएंगे, कैसे टाइम हम बढ़ा सकते हैं? जितना ज्यादा स्पेंड टाइम स्पेंड करेंगे ऑफिस में स्पेंड करना पड़ेगा। ऑनलाइन होना पड़ेगा, ऑनलाइन पे ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन हो, फोन में ऑनलाइन होना पड़ेगा। ठीक है, उससे कंपनी तय करती है कि ये आदमी मतलब जितना ज्यादा टाइम स्पेंड दे रहा है कंपनी को। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो आपको ज्यादा ऑर्डर का इशू करेंगे। ये इस जो डिलीवरी बॉय है, इसको ज्यादा ऑर्डर भेजें। हाँ जी, ठीक है। अगर ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे तो ज्यादा सेल निकलेगी, आपकी कमाई ज्यादा हो सकती है। यस, हाँ जी। ठीक है, देखो दोस्तों, इन्होंने बताया कि कैसे जो डिलीवरी बॉय है उसकी लिमिट है, जो उसको ऑर्डर मिलते हैं एक दिन में, वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उससे सेल ज्यादा निकलेगी आपकी, आपकी कमाई ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पर ऑर्डर का कमाई होती है। थैंक यू।